हेलो गाइस, मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जंगली ट्राइब्स। आज जो ये पड़ी हुई वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है रिव्यू के रिगार्डिंग, जो कि मैंने अपने फ्लावर पॉट स्टैंड मंगाए थे उसके रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आए, इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा छोटा सा गार्डन। कुछ पेड़ आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं रखे हुए गमलों में, कुछ गमले इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे रखे हुए, और आपको यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे होंगे रखे हुए। ये है मेरा छोटा सा गार्डन गाइस। जैसे कि आप ये अपने सामने देख रहे हैं ना, गोल सर्कल सा बना हुआ काला काला सारा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये है एक तरीके से साइड इफेक्ट गमलों के नीचे स्टैंड ना रखने का। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, सारे गमले नीचे ही रखे हुए हैं फर्श पर पत्थर के ऊपर। तो कुछ टाइम के बाद अगर इसमें बार बार पानी दिया जाएगा तो इसमें जो है नीचे राउंड सर्कल बना देगा वो गमलों के नीचे, तो फिर वो उतना ही हिस्सा फिर से काला हो जाएगा। तो गाइस, इन्हीं कारणों की वजह से मैंने स्टैंड्स मंगाए हैं, फ्लावर पॉट स्टैंड्स, जो कि मेरे को 830 रुपए के पड़े फ्लिपकार्ट से। 12 का सेट है वो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस क्वालिटी के बने हुए हैं, किस डिज़ाइन के हैं। गाइस, ये हैं 12 का सेट स्टैंड्स का जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए, जो कि 830 रुपए के मुझे पड़े हैं। गाइस, अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहां पर पटकता हूं या गेरता हूं नीचे, तो आपको यहां पर पूरी क्लियर आवाज़ आ गई होगी और आपको इसकी क्वालिटी का थोड़ा बहुत अनुमान हो गया होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फिर से मैं इसको गेर करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें जो है लोहा लगा हुआ है, अगर लोहा नहीं लगा होता तो इतनी आवाज़ नहीं आती। और अगर मैं इसके स्टैंड के डिज़ाइन की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन नज़र आएगा। गाइस, जो ये स्टैंड है इसमें आपको यहाँ पर ये छोटी छोटी पत्तियाँ नज़र आएंगी लगी हुई, और जिस हिसाब से इसके रेट हैं 830 रुपये में 12 का सेट आपको फ्लिपकार्ट पर ये मिल जाएगा। अलग अलग डिज़ाइन के भी हैं, अलग अलग रेट भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस हिसाब का तो है ये स्टैंड कि आपके छोटे गमलों का भार आराम से उठा लेगा। इस अगर मैं इस स्टैंड की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करूँ तो देखते हैं, मैं इसके ऊपर खड़ा होता हूँ, मेरा वज़न है 74 किलो, देखते हैं उठा पाता है या नहीं उठा पाता है ये स्टैंड। तो गाइस, देख सकते हैं मैं इस स्टैंड के ऊपर पूरा खड़ा हो चुका हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा वज़न है 74 किलो, पूरा ये स्टैंड मेरा वज़न उठा पा रहा है, देख सकते हैं गाइस। गाइस, ये है कुछ विजुअल्स स्टैंड ना रखने से पहले। गाइस, ये है विजुअल्स स्टैंड रखने के बाद, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा मेरा गार्डन हो चुका है इन स्टैंड्स के ऊपर अपने गमले रखने के बाद। तो गाइस, ये थी मेरी पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर स्टैंड से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय गाइस।